हे गाइस, इट्स मी अंश एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आप लोगों का जो मी ए3 में एक नया अपडेट रिसीव हुआ है, वो गलती से आप लोगों को मैक्सिकन रोम का अपडेट इंस्टॉल हो मतलब रिसीव हो चुका है। अब मेरे से बहुत से लोग भाई कह रहे थे कि उनका सिम नहीं चल रही है, सिम बन नहीं चल रही, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। और भाई, इस चीज़ के लिए आप लोगों को PC की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोगों को PC कहीं से लाना ही होगा। और ये वीडियो आप लोग पूरी देखो ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। आज की वीडियो हमारा सिग्नोलॉजी टेक के साथ एक कोलैब है, वो सिग्नोलॉजी टेक में आप लोगों को सारी चीजें बताएंगे वो भाई। सो चलते हैं हम लोग यहां से वीडियो की तरफ। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो मैं अभी क्या करूंगा, देखो गाइस, अभी सबसे पहले आप लोगों को अपने फ़ोन का जो बूट लोडर है उसको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अबाउट सेक्शन में जाना होगा। फोन को पास ले आता हूं गाइस आप लोगों के लिए। अबाउट सेक्शन में आना होगा एंड देन आप लोगों को बिल्ड नंबर पे 7-8 बार टैप करना पड़ेगा। जो जो अपडेट कर चुके हो 1.4 GB वाला, उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मतलब कि इसके ऊपर बिल्ड नंबर के ऊपर टैप किया, उसके बाद सिस्टम में जाना है, एडवांस में जाना है, डेवलपर ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर जो OEM अनलॉकिंग वाला जो ऑप्शन है इसको ऑन कर देना है, इसको इनेबल करना है। देन उसके बाद आप लोगों को USB डिबगिंग को ओके कर देना है। अभी उसके बाद फ़ोन को राइट साइड में ले लेता हूँ मैं। उसके बाद PC के साथ कनेक्ट करो। हमारे फ़ोन PC के साथ कनेक्ट हुआ। कनेक्ट हो जाने के बाद ही ये आप लोग देख ही सकते हो, अलाओ USB डिबगिंग, ये वाला जब आएगा इसे टिक करना है एंड इसको अलाउ कर देना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है गाइज, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग फ़ोन को साइड कर लेता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं थोड़ा सा टाइप कर लेता हूँ CMD कमांड प्रॉम्प्ट को। गाइज अभी आप लोग देख ही सकते हो ये मेरा आ गया है। अभी आप लोगों को लिखना पड़ेगा ADB डिवाइसेस। मैं एक बात बोल देता चाहता हूँ, ये आप जब देख रहे हो ADB डिवाइस पे ये जो नंबर शो हो रहा है, हो सकता है आप लोग जब ADB डिवाइसेस लिखोगे उस टाइम पे भी वो अलाउ का जो पॉपअप है वो भी आ सकता है, ठीक है। जब आएगा उसको अलाउ कर देना, ओके। उसके बाद आप लोग फिर से लिख लेना ADB डिवाइसेस, ओके, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ADB डिवाइसेस लिख लेना। उसके बाद अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है, फ़ोन को पावर ऑफ कर दे रहा हूँ मैं। वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है, क्योंकि हमारे फ़ोन को अभी फास्ट बूट मोड पे जाना है। अभी एंड्रॉयड 1 का लोगो फास्ट बूट मोड पे आ गया हमारा डिवाइस, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे फास्ट बूट फ्लैशिंग अनलॉक। बट मैं एक बात पहले बोल दे रहा हूँ, जो ड्राइवर्स है उसको इंस्टॉल कर लेना है, मतलब कि ADB ड्राइवर्स, क्वालकॉम का ड्राइवर्स, ये जो ड्राइवर्स है वो सब इंस्टॉल कर लेना। मेरे आई बटन पे एक वीडियो दिया है, उसके डिस्क्रिप्शन से, ओके। फास्ट बूट फ्लैशिंग अनलॉक, अनलॉक कर दिया। अभी फ़ोन अभी इसको इंटर कर देना है, ओके होगा। अभी फ़ोन का जो बूट लोडर है वो अनलॉक हो जाएगा, अनलॉक दिखा रहा है। गाइज आप लोग देख सकते हैं ये जो टेलसेल वाला आइकॉन है वो आ चुका है। अभी हमारे फ़ोन, मतलब क्या, एक बात मैं बोल दे रहा हूँ गाइज, आप लोग अपने फ़ोन का सब बैकअप, व्हाट्सएप का बैकअप एट्सेट्रा, जो भी बैकअप है सब कुछ कर लेना, करने के बाद ही ये सब करियो, ठीक है। गाइज मेरा फ़ोन फिर से ऑन हो गया, मतलब कि वेलकम स्क्रीन आया था, जो सेटअप वाली स्क्रीन आता है जब फ़ोन को आप लोग पहली बार यूज़ करते हो, तो वैसा आया था। मैं उसको सेटअप वगैरह कर लिया, ठीक है। सेटअप करने के बाद फिर से आप लोगों को सिस्टम के अंदर नहीं, अबाउट फ़ोन के अंदर जाना है, फिर से बिल्ड नंबर को 7-8 बार टैप करना है। देन सिस्टम के अंदर फिर से टैप करना है, डेवलपर ऑप्शन में जाना है। देन यहाँ पर तो आप लोग देख ही सकते हो OEM अनलॉकिंग पूरा सक्सेसफुल हो चुका है। भी आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर जो USB डिबगिंग वाला ऑप्शन है इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद ये म्यूज़िक बजेगा, मतलब कि आपके डिवाइस में कंप्यूटर में अलाउ कर देना है, ठीक है, जैसे मैंने किया कर दिया। उसके बाद फिर से एक बार चेक कर लेना है कनेक्ट ठीक ठाक है या नहीं ADB डिवाइसेस, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ ADB डिवाइसेस, हाँ हमारे डिवाइस पूरा परफेक्टली कनेक्ट है। उसके बाद आप लोगों को अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना होगा, गो टू फास्ट बूट मोड, वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन को एक साथ प्रेस करना है। गाइस आप लोग देख सकते हो अभी फ़ोन को साइड कर दे रहा हूँ मैं। गाइज एक बात मैं बोल दे रहा हूँ गाइज, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, जो एक रॉम है फास्ट बूट फाइल्स, गाइज
मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ जो रोम, फास्ट बूट रोम मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उसको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को इस तरह फाइल मिलेगी, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोगों को इस तरह फाइल मिलेगी, ये जो वाइट वाला देख रहे हो टार फाइल जो भी है, ठीक है, जो भी है ये वाला फाइल आप लोगों को मिलेगी। इसको डाउनलोड कर मतलब कि ये जब आ जाएगी यहाँ पर, जब आप लोग टार फाइल देखेंगे, इसको आप लोगों को विन आर्काइवर से एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना होगा, ठीक है। करने के बाद आप लोगों का ये वाला फोल्डर आएगा, ठीक है, ये वाला फोल्डर आप लोगों को आएगा, इसके अंदर आप लोग देख ही सकते हो ये सब कुछ है, ठीक है, कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। इसको डायरेक्ट ऐसे कॉपी मार कर देना है, ऐसे कॉपी कर देना है, सी ड्राइव में जाना है एंड देन पेस्ट कर देना है। मैंने पहले से ही पेस्ट कर दिया हुआ, आप लोग देख ही सकते हो लॉरेल स्प्रॉट, ठीक है, ये जो फोल्डर बना हुआ है इसके अंदर सब कुछ है, ये आप लोग देख ही सकते हो, जैसे कि मैं दिखाता हूँ ये आप लोग देख ही सकते हो फोल्डर के अंदर। ओके, नो प्रॉब्लम, जस्ट पेस्ट कर देना है, काम ख़त्म। ओके, इसको आप लोगों को कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी कंट्रोल सी जो भी है आप लोग कॉपी कर लेना है। फ़ोन को मैंने अभी साइड पे रखा हुआ है। उसके बाद आप लोगों का जो MI फ्लैश टूल है, जो मैंने जो वीडियो आई बटन पे है उस वीडियो के अंदर जाओ, ठीक है, वहाँ पर ही सब कुछ का लिंक है प्लीज़। उसके बाद Xiaomi MI फ्लैश टूल को ऑन करना होगा गाइस, एंड हमारे फ़ोन अभी फास्ट बूट मतलब कि फास्ट बूट मोड पे ही है, ये आप लोग देख ही सकते हो। उसके बाद एक बार सिर्फ हमारे फ़ोन का जो MI फ्लैश टूल है वो सिर्फ ऑन हो जाए, ठीक है गाइस। मैं जानता हूँ बहुत सारे यूज़र्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, अभी आप लोग देख ही सकते हो ये MI फ्लैश टूल ऑन हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं, MI फ्लैश टूल ऑन हो गया। अभी आप लोगों ये जो एड्रेस बार है जो भी रहेगा उसको पूरा डिलीट कर देना होगा, एंड जो आप लोग ने कॉपी किया था जो एड्रेस उसको पेस्ट कर देना होगा। पेस्ट हो गया, ठीक है गाइस, पूरा अच्छे से पेस्ट हुआ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन है क्लीन ऑल का, ये क्लीन ऑल के ऊपर टैप करना है, देन यहाँ पर जो रिफ्रेश वाला बटन है रिफ्रेश को भी ऑन कर लेना है। रिफ्रेश ऑन करने के बाद ये आप लोग देख ही सकते हो हमारे डिवाइस का नंबर आ गया। उसके बाद हम लोग फ्लैशिंग स्टार्ट करते हैं, ये मैं क्लिक कर दिया फ्लैश के ऊपर, अभी हमारा जो डिवाइस है वो फ्लैशिंग फिर से स्टार्ट हो चुका है गाइस। अभी आप लोग देख ही सकते हो फास्ट फूड में चल रहा है हमारे डिवाइस, ठीक है।
तो देख ही सकते हो एंड्रॉयड 1 का लोगो आ चुका है। गाइस आप लोग देख ही सकते हो एंड्रॉयड 1 का लोगो आ चुका है, अनलॉक्ड दिखा रहा है। थोड़ी देर रुक जाए, जो भी होगा ऑटोमेटिक ही होगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शाओमी का लोगो आ चुका है गाइस। अभी हमारे फ़ोन को थोड़ा सा हाथ में मैं ले लेता हूँ। 5102 सेकेंड्स जो भी है। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को डिसकनेक्ट कर देना पड़ेगा जब आपका शाओमी का लोगो आ जाएगा। एंड ये जैसे चलना है चलने दो, ठीक है। शाओमी का लोगो आ चुका है गाइस। आई होप प्लीज़ फ्लैशिंग सक्सेसफुल हो गया होगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखो, वीडियो को प्लीज़ स्किप मत मारो, आई मीन करो। शाओमी का लोगो गाइस आ चुका है। अगर वो टेंसेंट वाला नहीं आता सो हम लोग सक्सेस हो चुके हैं गाइस। प्लीज़ ये वाला वीडियो को ज़रूर देखना। एंड मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, फिर से बोल रहा हूँ एक बात, प्लीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को जो फास्ट बूट रोम डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसको डाउनलोड करना है, उसको अनजिपिंग करना है, उसके बाद वो वाला फोल्डर को लेके डायरेक्ट जो सी ड्राइव है आपके पीसी के अंदर, सी ड्राइव के पीसी के अंदर जस्ट पेस्ट कर देना है। एंड जैसा मैंने वीडियो को शुरू से दिखाया है प्लीज़ वैसे ही करना, मतलब के 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर नहीं होता, अगर समझ में अभी तक भी नहीं आया, प्लीज़ हमारे टेलीग्राम जो टेक डिस्कशन वाला ग्रुप है वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ एंड मैसेज करते रहो, हम सब बंदे एक साथ है। ओ माई गॉड आ चुका है, हाई देयर जो भी है। मेरा फ़ोन का चार्ज एकदम ही नहीं है, चार्ज देखता हूँ जस्ट ए सेकेंड गाइज, प्लीज़ रुक जाइए, इसको मैं एक बार स्किप कर लेता हूँ। आई होप मेरा सक्सेसफुल गाइज, मेरा सक्सेसफुल हो गया है बिकॉज यहाँ पर आप लोग 4G का जो लोगो है ये आप लोग देख ही सकते हो चेंज हो चुका है। हम लोग इसको नेक्स्ट करेंगे, मोर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, जो फिंगरप्रिंट है उसको भी स्किप कर देंगे, अभी फिंगरप्रिंट बाद में देंगे, ठीक है। हमारे फ़ोन को पहले जैसे कर देना है हम लोगों को, जस्ट सेकंड करना है, मतलब कि ये ऑटोमेटिक ही हो रहा है, ये मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आपका जो MI फ्लैश टूल मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के अंदर दिया हूँ उसको डाउनलोड करना है बिकॉज जो मेरे अभी हमारा जो फ़ोन है वो देखता हूँ कैसा हो चुका है। गाइज आप लोगों का जो भी एप्लीकेशन था सब कुछ उड़ गया है, पूरा फ़ोन नॉर्मल हो चुका है। सेटिंग में जाना है एंड MI A3 के अंदर आना है। वाओ ऑसम गाइज ऑसम, ये आप लोग देख ही सकते हो वर्जन 16 हमारे फ़ोन फिर से नॉर्मल हो चुका है गाइज एंड स्टेबल हो चुका है। हम लोग इस कचड़े को एक बार सिर्फ अनइंस्टॉल कर लेते हैं, ये जो कचरा हमारे डिवाइस में नहीं रहना चाहिए। तो जो भी है हमारा डिवाइस हमने फिर से नॉर्मल में कर लिया है। कैसे किया प्लीज़ वीडियो को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में भर भर के अपना प्यार दिखाना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिकॉज MI A3 के ऊपर और भी सोल्यूशन और भी कस्टम रॉम्स के ऊपर वीडियो आएगी। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।